सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में जो मैंने आपके सामने बजाया है, इसको हम बोलते हैं कहरवा ताल के कुछ वेस्टर्न प्रकार जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और ये शब्द गुरबानी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये पैटर्न। और इसके अलावा गज़ल्स और जो सॉन्ग्स होते हैं हिंदी सॉन्ग्स, उनमें भी काफ़ी ये ज़्यादा यूज़ होते हैं पैटर्न। और आइए मैं आपको ये बताता हूँ कैसे बजाए जाते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न मैंने इसमें बजाया है वो ऐसे बजेगा। इसके बोल हैं धित ताना तित धाना धित तिट ताना तिट, धित ताना तित धाना धित तिट ताना तिट, धित ताना तित धाना धित तिट ताना तिट। थोड़ा सा फास्ट बजाते हैं। स्लो बजाते हैं। धित ताना तित धाना धित तिट ताना तिट, धित ताना तित धाना धित तिट ताना तिट। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है पैटर्न, धित्ता ता तित धाना धित तिट ताना तिट, धित्ता ता तित धाना। इसमें धित्ता ता तित धाना जो बजाएंगे हम, वो कैसे बजेगा, धित्ता ता तित धाना धित तिट ताना तिट, धित्ता ता तित धाना धित तिट ताना तिट। इसको लय में ऐसे बजाएंगे। नेक्स्ट इसका है, ये बहुत ही अलग सा है पैटर्न। इसके बोल हैं धिन तिट धाना धा तिट ताती ताती, धिन तिट धाना धा तिट ताती ताती, धिन तिट धाना धा। इसको और स्लो बजाते हैं। धिन तिट धाना धा तिट ताती ताती, थोड़ा सा फास्ट। इसका नेक्स्ट जो है पैटर्न, ये टोटली वेस्टर्न में ही आ जाता है। इसके बोल हैं धिन तक धिन तिट ताना ना, इसको ऐसे बजाएंगे। धिन तक धिन खुला बजाएंगे, धिन धिन फिर तक फिर धिन, धिन तक धिन तिट ताना ना, धिन तक धिन तिट ताना ना तिट ताना ना। ये सारे पैटर्न्स जो है इसमें उल्टी तिट का प्रयोग करना है आपने, ये वाली तिट, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। धिन तक धिन तिट ताना ना, धिन तक धिन तिट ताना ना। थोड़ा सा इसको फास्ट बजाते हैं। अब स्लो इसको बजाते हैं थोड़ा और। धिन तक धिन तिट ताना ना, धिन तक धिन, तक का ध्यान दें, तक धिन तक एक साथ, धिन तक धिन तिट ताना ना, धिन तक धिन ना ना। इसका जो लास्ट पैटर्न है वो ऐसे बजेगा। धिन तक धिन घे तिट धा 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 धा, इसको बहुत स्लो बजाते हैं। धिन तक धिन घे तिट धा
थोड़ा सा इसको फास्ट बजाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो आज मैंने पैटर्न आपके लिए स्पेशली बजाए हैं इस वीडियो में, जो भी मैंने आपको बताया है स्लो तरीके से, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से स्लो तरीके से रियाज़ करेंगे और इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि फील इसका तभी आएगा जब आप स्लो तरीके से और बार बार इसको एक एक पैटर्न को एक एक बोल को समझ के रियाज़ करेंगे और फिर आपके आराम से ये बोल सारे क्लियर हो जाएंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को एंड तक देखा करिए आप, क्योंकि जो भी मैंने बताया होता है वीडियो में वो सिर्फ लेसन के रिलेटेड ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। सो मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल।